जी मैं तो यही कहूँगी कि वी नीड एक्शन नॉट वर्ड्स. तो अगर हम बातें कम करेंगे और एक्शन ज़्यादा दिखाएंगे ऑन द ग्राउंड, इट विल मेक द वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस. ये जो बच्चे हैं वो हमारे फ्यूचर हैं. सो ईच वन ऑफ देम हैव द कैपेसिटी टू रियली ट्रूली चेंज द वर्ल्ड. एंड मैं तो ये मानती हूँ, मैं तो एक बांद्रा की लड़की हूँ. टू बी हियर इन सैन एंजेलोस कैन मेक्स मी वेरी नॉस्टैल्जिक. एंड आई जस्ट गो बैक टू द वर्ड दैट आई रेड इन द बाइबल व्हिच सेज दैट यू नो इन द बिगिनिंग God created the heavens and the earth. तो अगर हम ये बिलीव करते हैं कि ये अर्थ जो है हमें एक गिफ्ट, एक तोहफा मिला है भगवान से, तो फिर हमें इसकी सुरक्षा करना ये हमारा एक ड्यूटी है. अगर हमारे राइट्स हैं तो हमारी ड्यूटीज़ भी हैं. तो आई थिंक ये जो बच्चे हैं ये बहुत ही ब्राइट हैं, बहुत कुछ समझते हैं. बस उनके अंदर थोड़ा पैशन जगाना है, उनको सिखाना नहीं है. हम यहाँ पर ज्ञान देने आए नहीं, हम उनके साथ उनके अंदर सिर्फ थोड़ा मतलब उनको छेड़ने आए हैं. उनका पैशन जो है थोड़ा छेड़ने आए हैं. And I think that together is how we can make a difference. क्योंकि community के बगैर कुछ नहीं होगा. पहले के environment में और आज के environment में कितना फर्क आप देखते हैं, और बच्चों में कितना awareness आना चाहिए इस चीज़ को लेकर? जी बच्चों में तो काफ़ी awareness है. I think कि हमें अपने आप को re-educate करना है. बहुत ज़रूरी है कि हम consume कम करें, ज़्यादा responsibly करें, और बस field पे आके, ground पे आके थोड़ा काम करें. सिर्फ tweet और retweet और bites देने से काम नहीं होगा. बाहर जाके थोड़ा हाथ थोड़े मैले करने पड़ेंगे, गंदे करने पड़ेंगे, कचरा उठाना पड़ेगा. यू हैव टू बी द चेंज, यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल. जी बहुत ही अच्छी बात है. एंड वी नीड मोर सच इनिशिएटिव्स. एंड लाइक आई सेड, ऑल ऑफ अस आर बेटर देन वन ऑफ अस. आपने एक बहुत ही अच्छा स्टैंड अपने बच्चों को सुनाया था, वो एक बार. फूलों का, तारों का, सबका कहना है, एक हजारों में हमारा बांद्रा है. सारी उम्र नेचर की केयर करना है. फूलों का, तारों का, सबका कहना है. आई बिलीव दैट मदर गिव्स लाइफ एंड मदर अर्थ गिव्स सो मच टू ऑल ऑफ अस. सो वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ आर मदर अर्थ. एंड दैट इज़ व्हाट आई बिलीव. एंड दैट्स व्हाट आई सेड दैट पानी है तो वाणी है, जल है तो कल है. सो वी वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ आर मदर अर्थ सो दैट द फ्यूचर, द जनरेशन हैज टू कम एंड दे नीड टू हैव दिस प्योर एयर वी ब्रीद, बिकॉज विदाउट प्योर एयर वी कांट रियली लिव. एंड सो वी टेक केयर ऑफ अर्थ. एंड माई मैसेज इज दैट सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, प्लांट द ट्रीज एंड गिव न्यू लाइफ टू मदर अर्थ. आप क्या कहेंगे सर? इनिशिएटिव मैं कहूँगा कि जो आसिफ जी ने उठाया बहुत ही ज़रूरी है. स्पेशली जो हमारा देश है इंडिया ने अभी आगे बढ़कर इसमें वो कदम लेना है. स्पेशली क्योंकि अमेरिका हैज़ बैक्ड आउट फ्रॉम दी पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड. तो इंडिया हैज़ टू बी एट द फोरफ्रंट. सो आई एम ग्रेट दैट आसिफ भाई इज़ टेकिंग दिस स्टेप. और एक और चीज़, जैसे पूजा ने बोला था, ये हम सबको करना है. मैंने भी ये बात बोली थी, ये आप ये मत उम्मीद रखिए गवर्नमेंट से कि वो आके ये सफाई करेंगे और वो आके आप ये करेंगे. ये हम सबको करना है. हम सबको सिर्फ अपने घर नहीं, अपने एनवायरनमेंट को साफ रखना है. जो पेड़ हैं उन सतर्क रहना है कि वो ना कटें, और वो नेचर को जाके इन्जॉय करना है. जब तक आप उनको यूज़ नहीं करेंगे, इन्जॉय नहीं करेंगे, तब तक वो सेफगार्ड नहीं रहेंगे. और कई बार स्ट्रेंज लगता है कि हम सबको ये बातें करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से सिर्फ बाहर हम जाते हैं तो ये हम फॉलो करने लगते हैं बाहर वालों के रूल्स की सफाई यहाँ पे इसमें फेंको, लेकिन हम अपने देश में आते हैं तो फिर कचरा गाड़ी खोली और खिड़की के बाहर कचरा फेंका या पेट कटने शुरू हो गए. तो ये हम अपने देश में रूल्स को कम फॉलो करते हैं. आई थिंक वी शुड नीड टू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द एनवायरनमेंट मोर. एंड लाइक पूजा वॉज ऑल्सो सेइंग, पुट इट इन टू एक्शन एंड नॉट जस्ट ऑन सोशल मीडिया.